थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ना उसके बाद बच्चे सीख जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है, जैसे उसको पी करवाने के लिए वॉशरूम में लेके आना पड़ता है और उसके बाद ना उसको ट्रीट दे देंगे तो वो खुश हो जाता है और उसको पता चलता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया तो मुझे जो है ट्रीट दिया है। इस तरह से ना सीख जाते हैं जल्दी। तो इसको भी थोड़ी आदत वैसे तो हो गई है लेकिन थोड़ा जैसे सो के उठा तो याद दिलाना पड़ता है उसको। तो अभी मैं लेके आई हूँ, अभी थोड़े से नखरे करेगा उसके बाद फिर थोड़ी देर में वो कर लेगा। अभी तो इसको हिचकियाँ ही बहुत आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद हिचकी आ जाती है। शाबाश, वेरी गुड बॉय। बस 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 हो गए पैर साहब, हो गया सब कुछ हो गई। फ्रेडी की पीपियां भी हो गई, अभी फ्रेडी को ट्रीट ट्रीट मिलेगी ना। गुड बॉय, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। चलो शाबाश फ्रेडी, गुड बॉय, गुड बॉय। अब बस 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 एक ही ट्रीट मिलती है बेटा, एक ही मिलती है, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेगी और नहीं मिलती है। अभी बस बस, गुड बॉय, गुड बॉय। अभी कुछ नहीं। चलो शाबाश। हेलो, वेरी गुड बॉय। हेलो करो, वेरी गुड बॉय, शाबाश। चलो तो फ्रेडी को खाना देने के बाद मैंने कर लिए थे वॉशरूम की क्लीनिंग। अच्छे से करनी पड़ती है क्योंकि पूरी रात भर ना फ्रेडी जो है ये वाला वॉशरूम यूज़ करता है, तो इसको सुबह उठते ही ना पहले मुझे क्लीन करना पड़ता है ताकि ये बाद में फिर से अच्छे से सूख जाए ना और फिर से यूज़ करने लायक हो जाए। और दिन में भी कई बार वो यहीं पर ही जाता है, तो वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि वो बाहर जाए, बाहर वाला जो पोर्शन है, लेकिन ठीक है अंदर की भी आदत होनी चाहिए। कई बार घर पे नहीं होते हैं तो वो अंदर भी जा सकता है, बाहर का दरवाज़ा तो हम 24 घंटे खुला नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो घर के अंदर जो वॉशरूम है ना वहाँ पर भी जाए। और उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में बनने वाला है ब्रेड ऑमलेट, तो ब्रेड लेके आए थे हस्बैंड रात को ही, और बस साथ साथ में चाय भी बनने के लिए रख दूँगी। और सबसे पहले तो है ऑमलेट बनाऊँगी और उसके बाद फिर ब्रेड गर्म करके नाश्ता कर लेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल को ऑल पर क्लिक करिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने अच्छे अच्छे सजेशन मुझे दे सकते हो और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें और बेल को भी ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और सुबह थोड़ा हैवी नाश्ता किया होना तो अच्छा रहता है, नहीं तो पूरा दिन ना फ्रेडी थका देता है, थक जाते हैं हम बुरी तरह उसके पीछे भाग भाग के ना। तो हैवी किया हो तो कई बार लंच लेट हो जाता है हमारा, तो उसमें हेल्प हो जाती है हमारी। तो नाश्ता भी हो गया हमारा, अब मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग और घर की भी साफ़ सफाई। देखिए चेयर पे बहुत सारे कपड़े हैं, 2 दिन से रखे हुए हैं, इनको मुझे फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके फिर अलमारी में रखूँगी और उसके बाद थोड़ी बहुत खाने की तैयारी करूँगी, फिर जाके मैं शॉवर लूँगी। और गैस स्टोव को इस तरह से क्लीन करें ना तो बहुत अच्छा रहता है। विम लिक्विड लगाओ थोड़ा सा
तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद करते हैं बर्तन साफ। बहुत सारे बर्तन होते हैं नाश्ते के भी, दूध का बर्तन हो जाता है, फ्रेडी के चावल का कुकर हो जाता है, और फिर कई बार क्या होता है कि चाय निकल जाती है ना, उफन जाती है, तो फिर गैस के जो बर्नर होते हैं और स्टैंड जो होता है वो भी गंदा हो जाता है। तो वो सारा सब कुछ क्लीन करके साफ़ सुथरा करके फिर रखूँगी मैं। ओ फ्रेड, सो जा सो जा, गुड नाइट करो, गुड नाइट, दिन में गुड नाइट कर लो। ये जो इतना गंद मचा के रखा हो पूरे घर में, ये कौन साफ करेगा ये बताओ? ये चारों तरफ फ्रेडी के सामान है, इसका बताओ, मुंह मत रखो जमीन पे, ये सामान कौन उठा के रखेगा? बहुत नींद आ रही है, इतना तो सुंदर दिखता भी नहीं है जितना तो वीडियो में दिखता है, हैं? इतना सुंदर तो है भी नहीं, कहाँ चले? परेशान हो रहे हैं भाई, बातें हो रही हैं। कहाँ? वहां पे क्या डिस्टर्ब कर रही थी मैं? हैं? मैं तेरे को परेशान कर रही थी, सोने नहीं दे रही हूं? वहां से यहां पे आके छुप गया तू? फाइनली दो दिन से चेयर पे पड़े हुए कपड़े थे ना, उनको फोल्ड करने का टाइम आ गया। लेकिन इस टाइम पे भी ना फ्रेडी बहुत परेशान करता है। अभी उसको समझ नहीं है कि कपड़ों को नहीं छूते हैं या खींचते नहीं हैं, उसको तो बस यही लगता है कि हर एक चीज़ को काटते हैं, खाते हैं, मुँह में डाल लेते हैं, तो उसके साथ ना काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम पर हस्बैंड उसको थोड़ी देर केयर करते हैं, फिर मैं फटाफट से अपने जो है काम उनको ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन जब उनको बाहर जाना होता है उस टाइम पे मुझे बहुत मुश्किल होती है, थोड़ा घर के काम मेरे जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं उसको संभालने के चक्कर में। मेरे साथ तो नहीं आना तूने, चलो जाओ पापा, जाओ अपने गेम के साथ खेलो। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? मेरे पास आया तो पिटेगा। जहां जा रहा हूँ पिटाई हो रही है मेरी। फ्रेडी जहां जा रहा है उसकी पिटाई हो रही है। स्लीप करो, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। फ्रेडी अच्छे बच्चे है ना, स्लीप, शाबाश। हेलो एवरीवन, तो अब जाके मैंने ना शावर लिया, तकरीबन टाइम पौने दो हो गए हैं, तकरीबन क्या पूरे पौने दो हो गए हैं अभी, और अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया। कपड़े मैंने मशीन में डाले थे वो धुल गए हैं, तो उनको सुखाना है। और फ्रेडी मेरा वो देखिए पहले सीढ़ी पे सो रहा था, अभी फिर से खाना खाना शुरू कर दिया इसने। थोड़े से चावल बचे होंगे ना, उनको भी वो जाके खा लेता है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, थोड़ी सी तैयारी मैंने करके रखी हुई है, जैसे प्याज टमाटर उसको काट के रख लिया था मैंने पहले ही, और बनाने वाली हूँ मटर पनीर। और जो मेरा हैंड ब्लेंडर था ना वो मेरा बेटा लेके चला गया, तो अभी मुझे हाथ से ही सारा चॉप करना पड़ता है। तो पहले कपड़े डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करती हूँ, या सोच रही हूँ पहले सब्जी बना लूँ उसके बाद फिर ना कपड़े सुखाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और हस्बैंड भी वापस आ जाएंगे। फ्रेडी खाना नहीं ख़त्म हुआ तुम्हारा अभी तक का है? अभी भी खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, कितने से चावल है छोटे बेबी? इतना बिजी है वो देखने में, खाने में, कि देख भी नहीं रहा है मुझे। तो चलिए मैं पहले सोच रही हूँ, पौने दो हो गए हैं, तो पहले ना सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े सुखाती हूँ। हाँ जी, कहाँ चले हो, कहाँ चले तुम? फ्रेडी को पी आई है ना, आज कम है यहाँ पे पीपी करते हैं, यहाँ पे पीपी करते हैं, या फिर बाथरूम में करते हैं? गुड बॉय, कहाँ करते हैं पीपी? बाहर कर लेते हैं। थोड़ी देर वो सो जाएगा और मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े सूखने के लिए डालूंगी। और शावर लेने के बाद मैंने फिर पहले जो है मटर पनीर में छौंक लगाया और दूध रख दिया उबलने के लिए।
तो मटर पनीर में मैंने छौंक लगा दिया, मटर भी मैंने ऐड कर दिए इसमें और अभी पनीर भी ऐड कर दिया इसमें। और उस तरफ मैंने रखा दूध, तो मैं इसका बनाने वाली हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो दूध उबल गया है, बस इसमें कस्टर्ड ऐड करना है, फिर ठंडा करके ना इसमें फ्रूट ऐड कर दूंगी। अढ़ाई बज गए हैं क्योंकि बीच में फ्रेडी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तो उसके साथ थोड़ी देर खेली मैं, अभी जाके फिर से सीढ़ी पे सो गया है वो। कुछ नहीं, सो जाओ, स्लीप करो, गुड बॉय, गुड बॉय, चलो स्लीप करो। चलो मैं खाना बना लेती हूँ। तो इस वाले व्लॉग को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, आगे कस्टर्ड बनाऊंगी तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।